नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट में पुलिस वालों ने न सिर्फ फ्रंट लाइन पर रहकर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, बल्कि जरूरतमंदों का हाथ बटाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। पुलिस का ऐसा ही मानवीय चेहरा यूपी के बिजनौर से सामने आया है। यहां एक महिला की मौत के बाद उसकी अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट ले जाने वाले चार लोग तक नहीं मिले। महिला कोविड पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन कोरोना का खौफ इतना है कि अंतिम संस्कार के लिए ना तो कोई पड़ोसी और ना ही कोई रिश्तेदार आगे आए। ऐसे में महिला के बेटे ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर सारा इंतजाम किया, अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाया। वहीं महिला के बेटे के हाथ पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। चिता के लिए लकड़ी आदि की व्यवस्था भी पुलिस वालों ने ही की। दरअसल बिजनौर के धामपुर की रहने वाली शीला देवी का रविवार को बीमारी के चलते देहांत हो गया। इससे 15 दिन पहले महिला के एक बेटे की मौत कोरोना की वजह से हुई थी। बेटे की मौत के बाद से ही शीला देवी सदमे में थी। उनके दो ही बेटे हैं। शीला देवी के निधन के बाद उनके दूसरे बेटे विकास शर्मा ने मां के शव को कंधा देने के लिए अपनों सगे संबंधियों पड़ोसियों को फ़ोन करके बुलाया, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ की वजह से कोई नहीं पहुंचा। शीला देवी की पार्थिव 10 घंटों तक घर में रखा रहा। विकास ने फिर पुलिस को फ़ोन कर सारी स्थिति बताई और मदद मांगी। पुलिसकर्मियों ने फिर देर नहीं की, तत्काल कुछ पुलिस वाले PPE किट पहनकर और मास्क लगाकर विकास के घर पहुंच गए। वे अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट ले गए। वहां उन्होंने लकड़ियां लगाकर महिला के लिए चिता तैयार की। फिर बेटे के हाथों महिला का अंतिम संस्कार हुआ। इसीलिए वे कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करा रहे हैं। ड्यूटी को सबसे पहले रखते हुए पुलिसकर्मी भी कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन पर हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मरने वाली महिला शीला देवी कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।